सहारनपुर के गांव मदनुकी में हाईटेंशन लाइन का कार्य चल रहा है, जहां पेड़ से ठेकेदार कटाई के लिए ले जा रहे हैं, तभी हाईटेंशन लाइन में करंट आ गया और वहां से गुजर रहे ठेकेदारों ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने गाँव वालों को समझा बुझा कर शांत किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मृतक परिवारों को बिजली विभाग की ओर से 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। आज ये अपने गांव में बड़ी दुखद घटना हुई, और जब मुझे पता लगा कि यहां पर 3 हमारे भाइयों की यहां मृत्यु होगी, मैं तुरंत यहां आया और मैंने देखा, और इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हूं। बिजली विभाग की एक नई लाइन गांव के खेत के जंगल से जा रही है, बिना परमिशन के, बिना इसकी सेफ्टी के, जिसमें सेफ्टी गार्ड डलता है ना तार में, तो कुछ मजदूर पेड़ देखने के लिए गांव में आए हुए थे, जो तीतर थाने के लगभग गांव में उनका पड़ता है फतेहपुर, वहाँ के मजदूर थे, तो पेड़ देखने के लिए आए थे, वो इसकी चपेट में आ गए। ट्रांसमिशन की लाइन बिछ रही थी, जिसमें दुर्भाग्यवश करंट आ गया, जिसमें नकुड़ तहसील के 3 लोगों की डेथ हो गई है,